नमस्कार दोस्तों, ये जो आपके सामने है ये बेसिकली एक्सरे नहीं कहते, इसको स्कायाग्राम कहते हैं। स्कायाग्राम बेसिकली एक्सरे तो रेडिएशन हो गई ना, जिससे ये आता है। इसके ऊपर सिल्वर बर्माइड या AGBR होता है। तो बेसिकली ये जो प्लिस्टर बेस है इसके इधर और इधर AGBR या सिल्वर बर्माइड है। जब सिल्वर ब्रोमाइड के ऊपर रेडिएशन पड़ती है तो सिल्वर ब्रोमाइड इज कन्वर्टेड इनटू सिल्वर और वो अपना कलर छोड़ता है। यानी कि अगर सामने हड्डी है तो नेचुरली हड्डी में से क्रॉस करके कोई चीज जाएगी तो वो उसका यहाँ पे ओपेसिटी अलग होगी, मास में जाएगी क्योंकि तो मास में से वो रेडली निकल जाएगी तो उसकी अपेसिटी जो इमेज आएगा वो डिफरेंट आएगा। देखिए शुरू शुरू में तो मैनुअल होता था रेडियोग्राफी, आजकल डिजिटल आ गई है, कंप्यूटराइज्ड हो गई है। तो आज का विषय है कि एपी ओब्लीक, एपी एंटीरो पोस्टीरियर। हमारा जो फ्रंट वाला पोर्शन है इसको एंटीरियर बोलते हैं और जो पीछे का है पोस्टीरियर, यानी कि फ्रंट व्यू एंटीरियर और पोस्टीरियर बैक साइड वाला, ऊपर वाला सुपीरियर नीचे वाला इंफीरियर, और जो मध्यरेखा से नजदीक है मीडियम और जो मध्यरेखा से दूर है लेटरल, सेंट्रल लाइन के हिसाब से। दोस्तों ये वाला एक्सरे जो है फुट का, पैर का, ये बेसिकली इसके ऊपर ही लिखा हुआ है, इसके ऊपर ही लिखा हुआ है एपी लोअर एक्सट्रीमिटी। ये देखिए फुट ऑब्लिक लिखा हुआ है। अब नेचुरली इसको तब तक आप पढ़ नहीं सकते, ये जो इसके इमेजेस हैं ये राइट है ये लेफ्ट है, तो बेसिकली ये कहाँ से पढ़ेंगे। जब तक इस एक्सरे को तभी पढ़ सकते हो जब आपको एनाटॉमी का ज्ञान है। ये देखिए ये टार्सल्स हैं, ये देखिए हमारे पैर में टार्सल्स हैं, जो पैर की हड्डियां हैं सात होती हैं मेन, उनको टार्सल कहते हैं। जो पैर की नीचे वाला पोर्शन है जहाँ पे कांच चुभती है इसको कैल्केनियम कहते हैं। जो एंकल बोन है दो नंबर पे इसको टैलस कहते हैं, और जो तीसरे नंबर पे आपके नज़र आ रहा है ये ऊपर से व्यू है सुपीरियर व्यू, इसको नेविकुलर कहते हैं। और चौथा पाँचवा छठा देखिए ये आपके राइट पैर का है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये मीडियल क्विनीफॉर्म, ये मिडल क्विनीफॉर्म, ये लेटरल क्विनीफॉर्म और ये वाला क्यूबॉइड। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ये सात हड्डियों के ऊपर सात नंबर लगे हुए हैं, ये कैल्केनियम हो गया, ये टैलस हो गया, ये देखिए तीन नंबर पे नेविकुलर, और इधर क्यूबॉइड है यानी कि क्यूबिक शेप है। ये लेटरल क्विनीफॉर्म, मिडल क्विनीफॉर्म और मीडियल, मीडियल मींस मध्यरेखा के नज़दीक। अब ये एक्सरे क्यों किया जाता है, इसमें पैर को अंदर की तरफ 30 से 40 मोड़ा जाता है, ऐसे जैसे देखेंगे आप कि ये मोड़ा गया अंदर। ये क्यों मोड़ा गया है अंदर की तरफ, मीडियल, मीडियल रोटेशन देने के लिए, ताकि ये वाला जो पोर्शन है जिसको टार्सल कहते हैं सातवें क्यूबॉइड नंबर के विच बीच वाली स्पेसिस हैं जो वो खुल के नजर आए, इंटर स्पेसिस जो हैं इसमें। तो छठा वाला जो है लेटरल क्विनीफॉर्म है, तो लेटरल क्विनीफॉर्म और क्यूबॉइड के बीच वाली स्पेस नजर आए, लेटरल क्विनीफॉर्म और तीसरा नेविकुलर के दरमियान स्पेस नजर आए, लेटरल क्विनीफॉर्म और कैल्केनियम के दरमियान नजर आए, और लेटरल क्विनीफॉर्म और टैलस के बीच बीच में दरमियान की इंटरस्पेस नजर आए। और इसके अलावा ये जो ये वाला जो है क्यूबॉइड जब अंदर की तरफ मुड़ता है तो ये चौथा और पांचवा मेटाटार्सल जो है जो फिंगर्स में होती हैं हमारे, तो पैर की फिंगर्स में, तो उनके बीच की स्पेसेस नजर आए। तो दोस्तों इसको आप तभी पढ़ सकेंगे जब तक आपको ग्रॉस एनाटॉमी ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स
आपको नहीं पता लगती तब तक आप एक्सरे नहीं पढ़ सकते। एक्सरे पढ़ने के लिए आपको सरफेस एनाटॉमी और ग्रॉस एनाटॉमी का पूरा ज्ञान हो। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ये देखिए पैर में 7 हड्डियाँ जो यहाँ वाले पोर्शन में हैं, आगे जो हैं वो फ्लंजिज हैं, जैसे पैर की फ्लंजिज जो होती हैं उसमें, यानी कि आपके अंगूठे में 1, 2, 3 ये अंगूठा रहा और ये रहा 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, यानी कि आपके ये फ्लंजिज हैं और ये वाला पोर्शन टार्सल है। अब टार्सल 7 हड्डियाँ हैं, उसका डोर्सल व्यू नज़र आ रहा है आपको और जो आगे हैं वो मेटाटार्सल है। अब मेटाटार्सल कितनी नज़र आ रही हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो आपके पैर में 5 मेटाटार्सल है एक पैर में और 7 टार्सल है और आपके अंगूठे में 2 फ्लंजिज है, यानी कि आपका जो पैर का अंगूठा है 2 उसमें 1 ज्वाइंट है, जो दूसरी टो है उसमें 1, 2 ज्वाइंट है, तीसरे में भी 2 ज्वाइंट है, चौथे में भी 2 ज्वाइंट है और आखिरी में भी 2 ज्वाइंट है। इसका मतलब टोटल 3, 3, 3, 3, 12 और 2, 14 फ्लंजिज हुई, यानी कि आपके टोज आपकी पैर की फिंगर्स में 14 फ्लंजिज हुई, यानी कि दोनों पैरों में 14 प्लस 14। तो दोस्तों एनाटॉमी पढ़ने का मज़ा तभी है अगर आपको एनाटॉमी के बेसिक स्ट्रक्चर, मसल्स, ओरिजिन, इंसर्शंस, उस पर आर्टरी या वेन की सप्लाई कैसे हो रही है, सरफेस एनाटॉमी क्या है, और रेडियोग्राफी तब भी समझ पाएंगे जब आपको तय तक एनाटॉमी, ग्रॉस एनाटॉमी पता हो और जब आप उसको हाथ भी लगाएं उसके नीचे सरफेस एनाटॉमी के हिसाब से उसके नीचे कौन सी इंटरनल स्ट्रक्चर है आपको पता हो। जैसे ज़िफाइड प्रोसेस है, ये इसके नीचे क्या है, आपकी रीढ़ की हड्डी में लंबर 3rd 4th है उसके इर्द गिर्द लेटरल साइड पे क्या है, किडनी है, क्या चीज़ है, आपको पता होना चाहिए। जब तक आप एनाटॉमी को ग्रास्प नहीं करते रेडियोग्राफी समझने मुश्किल। अच्छा लगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद।